आपके घर वालों को पता है कि आप इतने खतरनाक काम कर? नहीं नहीं, घर वालों को नहीं पता कि मैं स्पाइडरमैन हूँ। मुझे ये बताएं कि जो आप स्टंट्स करते हैं, कहीं कभी कभी आपको डर लगा कि मैं इस बिल्डिंग पे जा रहा हूँ मैं गिर गया तो? हाँ बिल्कुल होता है, जब ज्यादा ऊंचाई पर चला जाता हूँ तो जब नीचे देखता हूँ तो मेरी बिल्कुल टांगे कांपती हैं। ये अब तक फन है या आप इसको एज अ प्रोफेशनल भी आप चूज कर चुके? ये जस्ट फन के लिए स्टार्ट किया था, पर अब प्रॉपरली मैं प्रोफेशनली इसको स्टार्ट करना चाहता हूँ। इसमें करेक्टर और लाना चाहता हूँ जो आप लोगों को पसंद आए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पी फॉर पाकिस्तान के साथ मैं हूँ रिमशा जमील। आपने अब तक हॉलीवुड में स्पाइडर मैन को देखा था, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान इस्लामाबाद में भी एक स्पाइडर मैन नमूदार हो चुका है। क्या ये वही स्पाइडर मैन है जिनको हम हॉलीवुड में देखते हैं, या ये कोई पाकिस्तान का स्पाइडर मैन है? ये आपको बिल्डिंग्स पे चढ़ता हुआ नजर आएगा, पहाड़ों पे चढ़ता हुआ नजर आएगा और बहुत से स्टंट्स करता हुआ नजर आएगा। इसमें असल इंसान कौन है, आइए हम आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सलमान है। और आप करते क्या हैं? मैं यही करता हूँ कि लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं, स्पाइडर मैन इस्लामाबाद। पढ़ते भी होंगे, जॉब भी करते होंगे? हाँ पढ़ता भी हूँ, जॉब भी करता हूँ, और कुछ खास नहीं। और बाकी यही एक्टिविटी, स्पाइडरमैन बस घूम रहा होता है, जगहों पे चढ़ रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है, लोगों के साथ एंजॉय करवा रहा होता है। आप जो क्लाइम करते हैं, जो स्टंट करते हैं, ये आपने कहीं से सीखा है? नहीं नहीं, कहीं से सीखा नहीं है। बेसिकली जिम वगैरह जाता हूँ, स्ट्रांग हूँ तो क्लाइंबिंग, वैसे पहाड़ों में क्लाइंबिंग वगैरह करता हूँ, तो उससे ज़्यादा ये है कि मैं जगहों पर भी क्लाइंब कर सकता हूँ। आपके घर वालों को पता है कि आप इतने खतरनाक काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, घर वालों को नहीं पता कि मैं स्पाइडरमैन हूँ, और अभी तक पता भी नहीं चलना चाहिए। पता चल जाना चाहिए वैसे उन्हें? नहीं नहीं, अभी नहीं चलना चाहिए, थोड़ा सा और फेमस हो जाओ ना फिर पता चलना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आपके जो कॉलेज में दोस्त और टीचर्स हैं उनको पता है? हाँ कुछ फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स, जिनको पता है कि मैं ही हूँ स्पाइडरमैन। बाकी कुछ फ्रेंड्स हैं जो कहते हैं यार आप स्पाइडरमैन, मैं कहता नहीं नहीं यार मैं कहाँ से हो गया, ऐसे कोई और है। आप जो इतने खतरनाक स्टंट्स करते हैं, इस ये देख के कहीं से आपको ऑफर वगैरह आई है मूवीज की? नहीं नहीं, स्टंट इस तरह के तो मैं खतरनाक नहीं करता जिससे मुझे ऑफर आए। और बेसिकली मैं सीख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ना ज्यादा से ज्यादा स्टंट कर सकूँ जिससे लोग देख के शॉक हों, यार नाइस, बैक फ्लिप वगैरह, फ्रंट फ्लिप और चीज़ों पर चढ़ना प्रॉपरली, वो मैं सीखना चाहता हूँ और अच्छी तरह सीख करना उसको करना चाहता हूँ। आप फेस रिवील क्यों नहीं कर रहे? फेस रिवील अभी करने का फायदा नहीं है, जब जरूरत हो, जब ज्यादा लोग हो जाएंगे कहेंगे यार फेस रिवील करें, तब करना भी चाहिए। नजर लगने का डर है या लड़कियां देखती? नजर लग जाएगी मुझे लगता है। अच्छा तो फिर नजर उतरवा लीजिएगा। मुझे ये बताएं कि जो आप स्टंट्स करते हैं, कहीं कभी कभी आपको डर लगा कि मैं इस बिल्डिंग पे जा रहा हूँ मैं गिर गया तो? हाँ बिल्कुल होता है, जब ज़्यादा ऊंचाई पर चला जाता हूँ तो जब नीचे देखता हूँ तो मेरी बिल्कुल टांगें कांपती हैं, फिर कंट्रोल कर लेता हूँ, फिर ज़्यादा ऊपर जाके फिर जब रिकॉर्ड वगैरह वीडियोस करता हूँ तब फिर रिलैक्स हो जाता हूँ, फिर बहुत मज़ा आ रहा होता है। आपको इवेंट्स वगैरह पे भी इनवाइट करते हैं लोग? हाँ, इवेंट्स वगैरह, प्रॉपर्टी के इवेंट हो गए और काफ़ी बड़े इवेंट्स हो गए, बुला सकते हैं, कोई भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। मेरा इंस्टाग्राम है स्पाइडी बॉयज के नाम से, तो उस पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, कोई भी बुला सकता है। जाता हूँ पर इतना ज़्यादा नहीं जाता, कम जाता हूँ, पर अब जाना चाहता हूँ। जो आप काम कर रहे हैं इस वक्त, जो आप स्टंट्स वगैरह कर रहे हैं, इसका कोई, इसकी कोई पेमेंट भी होती है आपको? नहीं नहीं, इसकी कोई पेमेंट नहीं होती, जस्ट मैं अपनी जात के लिए कर रहा होता हूँ, अपने वीडियोस बनाने के लिए कर रहा होता हूँ, अदरवाइज नथिंग। आपको देख के अगर कोई स्पाइडरमैन बन भी जाए और आपकी तरह स्टंट भी करने लग जाए, उसको आता भी ना हो, फिर उसको क्या मैसेज देंगे? जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि मैं प्रॉपरली जिम जाता हूँ और उसका नाम क्या क्लाइंबिंग वगैरह करता हूँ, तो आप भी जैसे मैंने कहा है कि मैं अभी चीज़ें सीख रहा हूँ, फ्लिप वगैरह सीख रहा हूँ और चीज़ें सीख रहा हूँ, तो आप भी प्रॉपर्ली पहले चीज़ें सीखें और फिर उसके बाद करें मुझे, तो फिर मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं होना चाहिए। पर अगर आप ऐसे ही जाके कहीं चढ़ने लग जाएंगे तो ऑब्वियसली आप गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। आप जो इतने क्लाइम्स करते हैं, बिल्डिंग्स पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, बिल्डिंग्स पे खास करके, तो आपको रोका नहीं जाता? हाँ काफ़ी लोग रोकते हैं, मना भी करते हैं, काफ़ी लोग इजाज़त भी दे देते हैं, जो वो वीडियोस बनाते हैं कि गिर गए तो आपकी गलती होगी, तो मैं वीडियो बना के फिर मैं चला जाता हूँ और अच्छा लगता है ऊपर जाके। इतना कुछ ज़्यादा मैं नहीं करता, मैं अपना ख्याल भी रखता हूँ कि जहाँ से मैं गिर ना सकूँ प्रॉपरली, मैं अपनी चीज़ों का ध्यान रखता हूँ, ऐसे ही नहीं चढ़ जाता जगहों पर। ये अब तक फन है या आप इसको एज अ प्रोफेशनल भी आप चूज कर चुके? ये जस्ट फन के लिए स्टार्ट किया था, पर अब प्रॉपरली मैं प्रोफेशनली इसको स्टार्ट करना चाहता हूँ। इसमें करेक्टर और लाना चाहता हूँ जो आप लोगों को पसंद आए, आप लोग देखें, आप लोग देखेंगे यार पाकिस्तानी स्पाइडरमैन, जो काफ़ी ज़्यादा ना ये सिल्वर मैन जैसा है ना ये गोल्डन मैन जैसा है, ये पाकिस्तानी स्पाइडरमैन कूल है, जो कूल वीडियोज़ बनाता है,
और कूल काम करता है, मस्ती के लिए करता है, ये उस तरह का करेक्टर मैं शो कराना चाहता हूँ। ये कहीं चौक पे खड़ा नहीं होता, और तो प्रॉपरली ये वीडियोस मैं बनाना चाहता हूँ इस तरह की। सो नाज़रीन, ये थी सलमान की कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और इस वीडियो को इतना वायरल करना है कि सलमान की अम्मी तक पहुँच जाए और वो उसको पहचान सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।